हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सीट टेक्नोलॉजी में आपको सर्टिफाइड सीट की जो इसेंशियल क्वालिटीज होती हैं उनके बारे में आपको हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर हमें जो सीट टेक्नोलॉजी होती है, सीट टेक्नोलॉजी में हम सर्टिफाइड सीट का प्रोडक्शन करते हैं और सर्टिफाइड सीट के प्रोडक्शन के दौरान किसी भी सीट का सर्टिफिकेशन केवल तभी हो सकता है जबकि उसके अंदर उस सीट के अंतर्गत जो सर्टिफाइड सीट की इसेंशियल क्वालिटीज होती हैं वो पूरी तरीके से उपस्थित हों। मतलब कि सीट प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, जो सर्टिफाइड सीट का प्रोडक्शन है इसे हम तीन पार्ट में बांट के स्टडी करेंगे, सीट प्रोडक्शन, सीट प्रोसेसिंग और सीट सर्टिफिकेशन। तो सीट का सर्टिफिकेशन तभी होगा जब उस सीट के अंतर्गत जो सर्टिफाइड सीट की इसेंशियल क्वालिटीज हैं वो उपस्थित होंगी। तो सीट सर्टिफिकेशन जो है वो मुख्य रूप से सीट प्रोडक्शन और सीट प्रोसेसिंग के दौरान सीट की क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है। अगर सीट की क्वालिटी सीट प्रोडक्शन और सीट प्रोसेसिंग के दौरान हमने कंट्रोल करके रखी है तो उसका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, और नहीं अगर सीट प्रोडक्शन और सीट प्रोसेसिंग के दौरान सीट की क्वालिटी में गिरावट आ जाएगी तो उस सीट का सर्टिफिकेशन नहीं होगा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि सीट के प्रोडक्शन से लेकर और उसके स्टोरेज तक उसकी जो क्वालिटी है उसको हम लोग मेंटेन रखना है, और स्टोरेज ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन तक किसान के पास पहुंचने तक उसकी क्वालिटी को खराब नहीं होने देना है, नहीं तो जो विश्वसनीयता थी वो किसानों का सर्टिफाइड सीट के ऊपर से घट जाएगा। तो हमें पूरी व्यवस्था करनी होती है कि सीट प्रोडक्शन से लेकर और किसानों के पास तक सीट के पहुंचने तक किसी भी स्थिति में किसी भी स्टेज पर सीट की क्वालिटी में कोई भी गिरावट न आए। तो चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे काजेज हैं जो कि सीट की क्वालिटी को खराब करते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीट प्रोडक्शन के दौरान हम क्वालिटी को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सीट प्रोडक्शन के दौरान सिलेक्शन ऑफ लैंड, जिस खेत में हम बुआई करने जा रहे हैं, सर्टिफाइड सीट का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उस खेत की कंडीशन क्या है, क्योंकि सभी फसलों के लिए एक स्पेसिफिक लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी बात कि जिस खेत में हम सर्टिफाइड सीट का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उस खेत में उसके पहले कौन सी फसल उगाई गई, अगर अगले सीजन में इसके पहले वाले सीजन में जिस फसल की हम खेती करने जा रहे हैं उसी फसल को उगाया गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बुआई करने से लगभग 3 सप्ताह पहले हम उस खेत की सिंचाई कर देते हैं, जैसे कि उस फसल के जो बीज खेत में छिटक कर गिरे थे उनको फिर जुताई करके जमीन हो जाएंगे वो, और फिर जुताई करके उनको हम नष्ट कर देंगे, ठीक है। क्वालिटी को हमें मेंटेन रखना है, तो पहले हम क्वालिटी को मेंटेन ना रखेंगे सिलेक्शन ऑफ लैंड, ठीक है ये। और जिस चीज की बुआई भी करनी है, पहले सर्टिफाइड सीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सर्टिफाइड सीट का प्रोडक्शन करने के लिए किस सीट, किस क्लास के सीट की बुआई करेंगे, फाउंडेशन सीट का करना होगा, तो ब्रीडर की बुआई करेंगे। तो वो ये जो सीड है वो भी एक अच्छे सोर्स से हमें प्राप्त करना होता है, ऐसे सोर्स से जो कि जिसके पास की लाइसेंस प्राप्त हो सीट बेचने का, है ना, नहीं तो अगर लाइसेंस प्राप्त नहीं होगा तो फिर वो आपको बीच बेच में चला जाएगा, आप खोजोगे कहाँ चला गया, खराब क्वालिटी का सीट बेचने का। तो ऐसी संस्था से प्राप्त करते हैं हम सीट जिसके ऊपर से विश्वास होता है, और उसके बाद सोचा ना हुआ है। फिर आगे चलते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है कि देखिए चाहे कोई क्रॉप में सेल्फ पोलिनेशन होता हो या क्रॉस पोलिनेशन होता हो, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में भी थोड़ा बहुत क्रॉस पोलिनेशन होता है और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में भी थोड़ा बहुत सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो जो अगल बगल में मान लीजिए कि दूसरी वैरायटी के, जैसे हम गेहूं का हाई सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो गेहूं का सेल्फ पोलिनेशन तो होता है लेकिन उसके अगल बगल जो और खेतें होंगी उसमें कोई दूसरी वैरायटी गेहूं में लगाई गई होगी,
हमारी जो वैरायटी उगाई जा रही है इसकी स्टिग्मा का अगर पोलिनेशन कर दिया जाएगा तो ये जो आउट क्रॉसिंग हो रही है इस आउट क्रॉसिंग से आगे चलकर वो सेग्रीगेट हो जाएगी किसान के खेत में पहुंचने के बाद, है ना। तो ये जो आउट क्रॉसिंग के द्वारा जो जेनेटिक प्योरिटी में कमी आती है इसको बचाने के लिए हम एक खेत से अपनी वैरायटी वाले खेत से दूसरी वैरायटी वाले खेत के बीच में एक निश्चित दूरी रखते हैं जिससे कि एक खेत का पॉलिन ग्रेन दूसरे खेत के स्टिग्मा प्लांट के स्टिग्मा के संपर्क में न आए। मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए हम एक खेत से दूसरे खेत के बीच में एक निश्चित दूरी रखते हैं। इस दूरी को हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस में अगर कोई भी संदिग्ध होता है कि भाई को कोरोना है उसे हम क्या करते हैं, आइसोलेशन में रख देते हैं। मतलब जिनको कोरोना नहीं है उनसे दूर, वही कंडीशन यहाँ पर है, आइसोलेशन डिस्टेंस, एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी के बीच में निश्चित दूरी जिससे उन दोनों का संपर्क न हो। जैसे कोरोना वाले और बिना कोरोना वाले का संपर्क नहीं होता है आइसोलेशन करने के बाद, ठीक उसी प्रकार से एक वैरायटी का दूसरे वैरायटी का भी संपर्क नहीं होता है आइसोलेशन डिस्टेंस के बाद, ठीक है। फिर सोइंग टाइम, किसी भी फसल की बुआई करने के लिए एक टाइम होता है क्योंकि सभी फसलों को जर्मिनेशन के समय एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है ना। तो उस समय से देरी पे बुआई करने पर क्वालिटी गिरती है, ठीक है। तो टाइम पर बुआई करनी चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइजर, भाई अगर किसी फसल को हम सर्टिफाइड का प्रोसेसन करते हैं और अगर हम ही हैं आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हम आपको वीडियो बना के दे सकते हैं या कोई भी क्लास ले सकते हैं, नहीं ले सकते। एनर्जी जरूरी है और एनर्जी मिलेगी कैसे, हमें भोजन के द्वारा मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भोजन मिलेगा तो हम अपनी क्वालिटी को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं, पौधों को जब भोजन प्राप्त होता है, फर्टिलाइजर प्राप्त होगा, तो क्या करेंगे वो अब जो उनका जीनोटाइप है वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस होकर हमारे सामने आएगा और अच्छी क्वालिटी प्राप्त होगी, वरना उसकी क्वालिटी गिरेगी। क्योंकि जब भोजन पौधा ही नहीं, जब पौधा भोजन ही नहीं करेगा तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा, और जब वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके द्वारा जो सीड पैदा होगा वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, और जब वो सीड ही अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो मैंने बोला था उसका सर्टिफिकेशन नहीं होगा। तो सीड प्रोडक्शन के दौरान क्वालिटी को बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजर भी, उसका जो डोज है, रिकमेंडेड जो डोज है, वो पर्याप्त मात्रा में पौधों को उपस्थित या प्राप्त होना चाहिए। इरिगेशन, पौधा भोजन भी बनाता है तो हमें पता है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो बनाता है, पर उसमें जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, जल की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि पानी बहुत ही जरूरी है पौधों के लिए, और किसी भी स्थिति में, मतलब स्ट्रेस में, सीड प्रोडक्शन के दौरान पौधे को किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए। पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनमें बाधा पहुंचेगी, और किसी भी प्रकार के अगर स्ट्रेस होगा सीड प्रोडक्शन के दौरान तो उसकी क्वालिटी गिरेगी, और क्वालिटी गिरेगी तो उसका सर्टिफिकेशन नहीं होगा, और हमें करना क्या है, सीड का सर्टिफिकेशन ही करना है। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे रॉगिंग की। रॉगिंग में क्या होता है कि जो हमारा खेत होता है, हम अपने खेत में जैसे हम गेहूं का सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो गेहूं की एक किसी वैरायटी का सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन हम कर रहे होंगे, तो हमारे खेत में हमें कौन से पौधे चाहिए, हमारे खेत में गेहूं की जिस वैरायटी का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी वैरायटी के पौधे चाहिए। उस वैरायटी के पौधे के अलावा दूसरी फसलों के पौधे, दूसरी नहीं अपनी फसल की दूसरी वैरायटी के पौधे, खरपतवारों के पौधे, वीड्स के प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स हमारी वैरायटी के हों लेकिन इसमें डिजीज लगा हो, इंसेक्ट लगा हो, कमजोर हो, इन सभी पौधों को खेत से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉगिंग, और इन सभी क्रॉप को, प्लांट्स को हम बोलते हैं ग्रो प्लांट, ठीक है। तो मेन रॉगिंग का मेन मकसद होता है कि हम जिस जहाँ पे सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस खेत में, उस खेत में हमारी ही फसल की, जिस फसल की हम सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसकी वही वैरायटी के पौधे केवल उपस्थित हों, और वो भी किस कंडीशन में, स्वस्थ। अगर हमारी वैरायटी के पौधों में डिजीज लग गया या वो कमजोर है तो वो भी हमें खेत से बाहर निकाल देना है, वो भी हमारे लिए ग्रो प्लांट है।
ठीक है। तो वॉकिंग क्या होती है, अपने खेत से की प्रोडक्शन के खेत से दूसरी फसलों के पौधे, दूसरी वैरायटी के पौधे, खरपतवार के पौधे, डिजीज लगे हुए पौधे, इंसेक्ट लगे हुए पौधे या फिर कमजोर पौधे, इन सबको खेत से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम रॉगिंग कहते हैं। ये भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन, अगर डिजीज लगेगा तो मैंने बताया उसको भी खेत से बाहर निकालेंगे, अगर डिजीज लगेगा तो पौधा अपना कार्य नहीं कर पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा, उसमें एबनॉर्मल कंडीशन पैदा होगी। डिजीज क्या होती है, एबनॉर्मल कंडीशन, पौधा भोजन बनाता है नॉर्मल कंडीशन और भोजन नहीं बनाता है एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे हम खाना खाते हैं रोज खा रहे हैं, भूख लग रही है नॉर्मल कंडीशन, जब बुखार होता है फीवर होता है तो खाना खाना बंद कर देते हैं, नहीं खाना तीखा लग रहा है, नहीं खाने का मन है, भूख नहीं है, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या हमारी एबनॉर्मल कंडीशन, उसे हम बोलते हैं डिजीज, ठीक है। तो प्लांट प्रोडक्शन के दौरान हम डिजीज और इंसेक्ट से अपनी फसलों को बचाते हैं, क्योंकि अगर इंसेक्ट लगेंगे डिजीज लगेंगे तो पौधे की जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल कंडीशन में बदल जाएगी, और जब एबनॉर्मल कंडीशन बदल जाएगी जैसे पौधा भोजन बनाता है नॉर्मल कंडीशन, भोजन नहीं बना पा रहा है एबनॉर्मल कंडीशन, और जब वो भोजन नहीं बना पाएगा तो वो खाएगा, और जब खाएगा नहीं तो पौधा स्वस्थ नहीं रहेगा, और जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके द्वारा जो सीड पैदा किया जाएगा उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, और जब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो उसका सर्टिफिकेशन नहीं होगा। सर्टिफिकेशन उसका क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और जब वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है ऐसे पौधे से प्राप्त हुआ है जिसमें डिजीज लगा है, तो किसान के खेत के ऊपर जाने के बाद भी उस पौधे से जो प्रोजनी प्राप्त होगी उनमें भी डिजीज लगे रहेंगे, इसलिए उसका सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे। तो प्लांट प्रोटेक्शन भी जरूरी है, और फिर है हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के दौरान भी इतनी दूर तो हमने क्वालिटी को कंट्रोल किया, करने के बाद हार्वेस्टिंग के दौरान पता चला कि समय से पहले ही आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर दी, नमी बहुत ज्यादा थी उसमें होगी, है ना, या नमी बहुत देर के बाद उसकी हार्वेस्टिंग की तो वो चीड़ चिपक कर खेत में बिखरेंगे, चिड़िया वगैरह उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमें क्या करना है, हार्वेस्टिंग के दौरान ध्यान रखना है, जिस कंबाइन मशीन का यूज कर रहे हो वो किसी दूसरी वेरायटी की कटाई करके आई और उस मशीन में उस दूसरी वेरायटी के चीज बचे रह गए और उसी कंबाइन से आपने फिर अपनी वेरायटी की कटाई करवा, तो दूसरी वैरायटी के जो सीड हैं वो और आपकी वैरायटी के सीड मिक्स हो गए, मतलब जेनेटिक प्योरिटी खराब हो गई। तो हार्वेस्टिंग के दौरान भी आपको जेनेटिक प्योरिटी को कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सीड प्रोडक्शन के दौरान हम किस प्रकार से जो सीड की क्वालिटी होती है उसे हम